सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन और मैं हूँ मौलिका शर्मा। कहते हैं वृक्ष कबहू न फल बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपने फलों का सेवन नहीं करता, इसी प्रकार नदी स्वयं अपने जल का पान नहीं करती। ये जो भगवा चोला व्यक्ति धारण करता है ये सिर्फ और सिर्फ परमार्थ के लिए करता है, जन सेवा के लिए करता है। और एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी लगातार इस कार्यक्रम के जरिए, कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ भी जुड़े रहते हैं, जिनसे जुड़ना हम अपना सौभाग्य समझते हैं। हम बात कर रहे हैं सदगुरु श्री कृष्णानंद जी महाराज की, जो लगातार इस कार्यक्रम के जरिए धर्म क्रम से जुड़ी चर्चा हमारे साथ करते हैं, साथ ही साथ हमें बताते हैं कि किस प्रकार रेकी से जुड़कर हम अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए आज फिर से शुभारंभ करेंगे अपने इस विशेष कार्यक्रम का, आशीर्वाद लेंगे सदगुरु का। सदगुरुदेव बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। सदगुरु जी बहुत ही खूबसूरत बातें इस कार्यक्रम के जरिए आप हमें और साथ ही साथ हमारे तमाम दर्शकों को भी बताते हैं। आज हम थोड़ा सा योग के विषय में आपसे जानना चाहेंगे। आज के व्यक्ति के जो दौर चल रहा है, आज का जो समय की जो प्रणाली चल रही है, योग से व्यक्ति परे हो चुका है, हट चुका है, वास्तविकता में योग क्या है आज आप हमें विस्तारपूर्वक बताएं। देखिए, सच पूछिए तो हम लोग योगासन को ही योग समझ कर उलझ गए। योगासन जितने हैं, जिसे योग पातंजल भी कहता है, आठ भाग में जो बांटा है, जम नियम आसन तीसरा आसन है, जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, तब ध्यान और समाधि आती है। तो अक्सर हम लोग जो है केवल आसन को ही योगा 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 कहकर चिल्लाते हैं। पहली तो एक बात, हम कई यूनिवर्सिटियों में हमें जाकर बोल चुका कि योगा शब्द नहीं है, योगा शब्द जो है अपभ्रंश है, अंग्रेजी का है, हिंदी का शब्द है योग। और उसी तरह से हमारे यहाँ रामा लोग कह देते हैं, रामा शब्द नहीं है, राम शब्द है, रामा का अर्थ होता है सीता, उस तरह शिव का है, शिवा का अर्थ हो जाता है पार्वती, कृष्ण शब्द है कृष्णा कह देते हैं लोग, कृष्णा का अर्थ हो जाता है राधा। तो इस तरह से यह जो है हमारे यहाँ पहले तो गलत बोला जाता है, योगा योगा लोग कहते हैं, योग है भारतीय दर्शन में जो शब्द है उसी को बोलना चाहिए। और योग आसन को हम लोग योग समझ लेते हैं। आप एक बात समझ लीजिए, आज विशेष दौर पर मैं यह कह रहा हूँ, जितने भी आसन हमारे यहाँ हैं सब पशु और पक्षियों के नाम पर हैं। जैसे गरुड़ासन, भुजांगासन या मयूरासन, या आप जितने भी आसन आप कहते हैं, या कच्छपासन, जितने भी आप कहते हैं, किसी न किसी पशु पर, पक्षी पर, सर्प पर यह आसन है। और एक तरफ हम लोग, हमारे यहाँ के सब लोग कहते हैं, विद्वान या धर्मात्मा लोग, बड़े भाग मानुष तन पावा, यह 84 लाख जूनियों से जब हम रमण करके आते हैं तब हमको यह मनुष्य शरीर मिलता है। तो क्या मनुष्य शरीर में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या पशु बनने या पक्षी बनने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आना चाहते हैं? एक तरफ हमारा पशु मनुष्य जन्म है आकि हम इसको मुक्ति को प्राप्त कर लें, तो मुक्ति के लिए आसन तो सहायक नहीं होती है। आसन जो है हम लोग अभी जो है आसन से केवल शरीर को तंदुरुस्त करके भोगमय बनाना चाहते हैं, और भोग की प्रवृत्तियाँ बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि जितने कानून बन रहे हैं उतने ही भोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और इतना क्या ये रेप बलात्कार के कांड बढ़ रहे हैं। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? योगासन हमारे यहाँ एक तरह से निपट गया है कि शरीर को तंदुरुस्त रखो, भोग में हम प्रवृत्त हो गए, नहीं दूसरे लोग, कुछ लोग हमारे यहाँ बहुत लोग जगह जगह प्रचारित करते हैं योग से हम तनाव मुक्त हों। तो क्या तनाव मुक्त हों और भोग में प्रवृत्त हों, क्या इसी के लिए योग रह गया है? तनाव मुक्त यह तो एक मनोवैज्ञानिक भी कर सकता है, एक साधारण आदमी भी कर सकता है। तनाव से मुक्ति की कला मनोवैज्ञानिक की प्रक्रियाएं हैं, इससे आत्मा परमात्मा का संबंध नहीं है, इसे किसी मोक्ष का संबंध नहीं है, और इसे न ही किसी तरह का अध्यात्म का संबंध है। तनाव से मुक्ति, तनाव से मुक्ति जो है यह मानसिक कला है, मन तनाव में आता है और मन ही तनाव से मुक्त होता है, यह मन जी। तो मन जो है, और जितना का नाम है रिद्धि सिद्धि का रहस्य भी मन है। मन जो है यह मनोमय शरीर होता है, मेंटल बॉडी होता है, साइकिक बॉडी होता है अंग्रेजी में। तो यह जो है भवचक्र में डालने का खेल है, मन का तक पहुंचना यह भवचक्र में संसार में डालने का ही खेल है, और इसी से हम मुक्त होते हैं, इसी में हम अटैच हो जाते हैं।
इसलिए हम लोग समझना चाहिए योग के बारे में, योग क्या है। योग पातंजल भी कहता है चित्त निवृत्ति स योग। जब तक से हम चित्त मन के भवजाल से मुक्त नहीं होते हैं तो योग होता नहीं है शुरू। ठीक ठीक योग तो वह है, आगे हम देखिए, अभी हम फिजिकल बॉडी में ही रह जाते हैं योगासन करके, या मेंटल बॉडी में हम पहुंचते हैं मन से मुक्ति करने के लिए, दो ही तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हम जब योग में ठीक से डूबते हैं तब हम देखते हैं कि अंदर या फिजिकल बॉडी के अंदर भी सात शरीर है, सात चक्र है, सात शरीर है। तब हम लोगों को यदि समय को कोई सदगुरु मिलता है तब हमको बताता है ध्यान में डूबने की कला, आर्ट ऑफ मेडिटेशन। तो जब तक से हम जब ध्यान में डूबेंगे नहीं तब तक से इन सात शरीरों को देखेंगे नहीं, तब तक से हम मुक्त नहीं होते हैं। सात शरीरों को जैसे जैसे हम देखते हैं और सात शरीरों को जैसे जैसे हम पार करते हैं, स्वतः हमारे अंदर रिद्धि सिद्धियाँ आती हैं, स्वतः हमारे यहाँ जो है दिव्य घटनाएँ घटने लगती है, दूरदर्शन हो जाता है, दूरदृष्टि हो जाती है। लेकिन हम लोग एक और घटना गड़बड़ समझ लेते हैं, दूरदर्शन को ही दिव्य दृष्टि समझ लेते हैं। जैसे कि गीता में भगवान कृष्ण, भगवान थी कृष्ण ने दिव्य दृष्टि प्रदान किए हैं, मात्र उसमें वही जानते हैं भगवान कृष्ण, वो दिव्य दृष्टि अर्जुन को ट्रांसफ़र किए हैं। लेकिन वही जो है भीष्म, क्या नाम है, वेद व्यास ने जो कहा है कि मैं दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, तो दिव्य दृष्टि नहीं है, दूरदृष्टि है। जो संजय को दिए वो दूरदृष्टि है, दूर में क्या हो रहा है यह। और हम जो मेडिटेशन हम लोग सिखाते हैं, स्वर विद्या सिखाते हैं, इसमें दूर श्रवण और दूर दृष्टि का भी योग सिखाया जाता तो है। तो सदगुरु श्री दिव्य दृष्टि और दूरदृष्टि में अंतर क्या है ये भी आप हमें बताएं। हाँ देखिए, दूरदृष्टि जो है एक यह मेडिटेशन की साधारण कला है, जो कि आप यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका में क्या हो रहा है देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वह एक आर्ट है, यह मन का ही आर्ट है, मनोमय शरीर का ही आर्ट है, और यह मन से ऊपर नहीं जा सकता है। और मन तो एक ऐसा खेल है मन का कि आप में प्रवेश करके आपका प्रेत का बोली बोलवा सकता है, जिन का बोली बोलवा सकता है, देवता का बोली कर सकता है, भाषा बोलवा सकता है। आप जो हैं मनुष्य हैं तो आपको औरत का बोला सकता है, औरत है तो मनुष्य का बोलवा सकता है। यह सब मन का खेल है, मनोमय शरीर तक का खेल है, और दूरदृष्टि भी इसी की खेल है। लेकिन जैसे ही आप लोग, इसलिए योग में कहा गया है, कबीर साहब कहते हैं गुप्ते योग प्रगटे भाण, जितना हम योग गुप्त होकर कर सकें। और आगे भी कहते हैं कि केहू कतनो बोलावे तो ना बोलेंगे, जिसको संस्कृत में और अब लोग योग के क्लास में कहा जाता है कि यह जितनी रिद्धि सिद्धियाँ हैं हमको लालच देगी, यह ले लो, वह ले लो, पद पैसा प्रतिष्ठा ले लो, लेकिन इसमें आपको मौन रहना है। भगवान शंकर ने कहा है गुप्तम गुप्तम महागुप्तम न च प्रकाशते तंत्र साधना सूत्र द्वारा च देते, कहते हैं कि यह जो जब सिद्धि आने लगेगी तो आप इसको इतने गुप्त होते जाइए और इसे प्रकाश में मत लाइए। कोई पुत्र मांगे, पत्नी मांगे, धन मांगे, यहाँ तक सब दे दीजिए, लेकिन इसे प्रकाश में मत लाइए। बहुत गुप्त कहे हैं जी। और तो इतना तो कहे हैं कि अखंड एकदम जो है योगी जो है अखंड में निवास करता है, और वह अपने संसार में जो है कर्कट पंथा विभजित पंथा समरस नग्ना शून्या शून्यागारे तिष्ठित नग्ना, भगवान शंकर तो यह कहते हैं। अब वह योगी जब और पहुंचता है तो संसार में ऐसे हो जाता है कि कर्कट पंथा विभजित पंथा, वह जो है शून्यागारे तिष्ठित नग्ना, शून्यागारे यानी आकाश में, समुद्र के में, कहीं भी वह जो है बिल्कुल नग्न खड़ा रहता है। लेकिन कुछ भोजन लेने के लिए कहीं शहर में गंगानगर में गाँव में जाना होता है तो कर्कट पंथा जो औरतें जो है मासिक धर्म के बाद कपड़ा फेंक देती है, उसका रीयूज नहीं होता है, इसलिए कहते हैं उसे कोपिन बना करके अपने अंग को ढांग करके शहर में जाओ, गांव में जाओ, और अपना भोजन ले करके आकर फिर अपने शून्यागारे तिष्ठित नग्ना, उस शून्यागार में तुम सुनने में खड़े हो जाओ। वो तो इतना गोपनीय बताए हैं। लेकिन आज हम लोग देखते हैं योग जो है प्रदर्शन का वस्तु बन गया है, और यह केवल बाहर बाहर घूम रहा है, अंतर की यात्रा हम छोड़ दिए हैं। ध्यान तो वह कला है, जब हम अंतर जानते हैं तो हम अपने गहराई में डूबते हैं, अंदर अपने में हम खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं, और अपने को हम प्राप्त करते हैं। देखिए पूजा में और पाठ में और ध्यान योग में अंतर है। पूजा में हम जब करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो किसी और को प्रार्थना करते हैं, किसी और को पूजा करते हैं, किसी और को प्रे करते हैं हम, आगे आप प्रसन्न हो जाओ हम पर, परमात्मा हम पर प्रसन्न हो जाओ जी। तो इसलिए प्रसन्न हो जाओ आगे हम पर कुछ आशीर्वाद दो, हमारा सांसारिक काम हो। हम एक द्वैत की भावना रखते हैं, द्वैत से हम प्रार्थना करते हैं, उसको प्लीज करते हैं, खुशामद करते हैं एक तरह से जी। लेकिन यह पूजा में
हमको मांगना रह जाता है, हम मांगते हैं, एक भिखमंगा तरह सीखते हैं, लेकिन ध्यान जो है स्वयं में हम डूबते हैं और स्वयं में हम खोज करते हैं और स्वयं को जब प्राप्त कर लेते हैं तब हम उद्घोष करते हैं अहम ब्रह्मास्मि। बिल्कुल, एको ब्रह्म दित्यो नास, शंकराचार्य ने जिसे उद्घोष किया अहम ब्रह्मास्मि, उसी तरह से भगवान कृष्ण ने भी उद्घोष किया आकि हम ही हैं और दूसरा कुछ कोई नहीं है। कबीर साहब भी उद्घोष किए आकि मैं था तो नहीं था किरमतिया, अब मैं ही हूँ, कोई क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स दूसरा नहीं है। और उसी तरह से पंजाब के थे स्वामी राम ने उद्घोष किया जब प्राप्त किया कि मैं ही सब ब्रह्म हूँ और मुझसे ही चंद्रमा निकल रहा है, मुझसे ही पृथ्वी निकल रहे हैं, मुझसे तारे निकल रहे हैं, पूरी सृष्टि मुझसे ही निकल रही है, मुझ में समाहित हो रहा है, मैं ही हूँ, कुछ नहीं हूँ। जब भी हम अपने अंदर डूबते हैं तो हम अपने को पा लेते हैं, वह पूर्व ब्रह्म को पा लेते हैं, तब सृष्टि को देखते हैं कि मेरे अनुसार चल रही है। बिल्कुल, स्वयं को पहचानने की आवश्यकता, वही असल योग वही है, स्वयं को पहचानना, टू नो अबाउट योर सेल्फ। जी गुरुदेव, और अधिक जानकारियां आपसे जरूर लेंगे, लेकिन अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें, जैसे कि हम लगातार बताते हैं, यदि आपके भी जहन में कोई प्रश्न है, कार्यक्रम से जुड़ी कोई क्वारीज है, नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारी ईमेल आईडी, साथ ही साथ नंबर्स आ रहे हैं, आप तुरंत उन्हें नंबरों और साथ ही साथ ईमेल आईडी पे संपर्क करके विस्तारपूर्वक जानकारी ले सकते हैं। योग के विषय में आज आप हमें बता रहे हैं, व्यक्ति तनाव मुक्ति के लिए क्या कुछ ऐसा विशेष करे जिससे उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आ पाए, आप हमें बताएं। आदमी को ध्यान मेडिटेशन जब करता है और अंदर की जब गहराई में डूबता है, जैसे जैसे अंदर गहराई होता है, बताया कि हमने 7 शरीर होता है और पहला ही शरीर फिजिकल बॉडी भाव, इसके बाद दूसरा शरीर भाव शरीर में जाता है तो उसके रिद्धि सिद्धि भी आने लगती है, सारी संसार में सफलता भी आता है, या जितना आप संसार में सफल आदमी देखते हैं यह दून भाव शरीर का ही ज़्यादा अधिकतर होता है, और इसके बाद मन भी शांत होने लगता है, यह मन का ही खेल है। और मन जो है डिमांडिंग करता है, मन डिमांडिंग आकाश जितना संसार मांगे, और यह मन ही देता है, इसलिए इस दूसरा इस जैसे हम अपने शरीर के अंदर जब जाएंगे, तीसरा शरीर जो आता है सूक्ष्म शरीर आता है, और सूक्ष्म शरीर जो है आदमी में प्रखरता देता है, तेज देता है, और जैसे जैसे हम ऊपर उठेंगे तो तेज इतना देगा कि आदमी कथावाचक आप देखते होंगे, वैज्ञानिक देखिएगा, या आप इस संसार में जितने सफल आदमी देखिएगा संसारिक में, वो तीसरे शरीर का आदमी है, और इसमें आप मन भी शांत रहता है और संसार में भी सफल होते हैं, लेकिन यह तीसरे शरीर में डूबने से भी अभी जो का कोई वास्ता नहीं है। जी गुरुदेव, और अधिक जानकारी आपसे जरूर लेंगे, लेकिन एक कॉलर लेना चाहेंगे, जुड़ी है हमारे साथ इंदु जी, है नोएडा से। इंदु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका। नमस्कार, प्रणाम गुरुदेव जी। मेरा सवाल ये है कि जब ध्यान में बैठते हैं तो विचारों का प्रवाह एकदम से जैसे आके चारों तरफ से घेर लेता है, तो उसको किस तरीके से हम लोग मतलब काबू में कर सकते हैं, या फिर उन विचारों के प्रवाह से कैसे जल्दी से निकल सकते हैं, बताएं गुरुदेव। देखिए आदमी मन का एक स्वभाव आप समझ लीजिए, हम लोग कहते हैं मन शांत हो जाए, जब ये समुद्र में अभी देखिए कौन लहर आया है, फोनी लहर, समुद्र में जब लहर उठेगा, लहर आएगा तो लहर कहेंगे ही लहर कहेंगे, जब शांत हो जाएगा तो लहर नहीं कहेंगे। अब जैसे रामेश्वरम में लहर नहीं है तो लहर कहेंगे नहीं, मन है तो अशांत रहना उसका स्वभाव है। और भगवान कृष्ण भी कहते हैं मन है मनुष्य राम कारण बंधन मोक्ष है, आपका बंधन और मुक्ति का कारण मन ही है, इसलिए जो गुरु सिखाता है आकि आपको जब ध्यान का विधि देता है तो मन जाता है तो जाने दे, मन जैसे ही आप आंख बंद करिएगा वह मन जो है दौड़ने लगेगा, तो आप उसको जाने दीजिए। इसीलिए हम मन की टेक्निक आज से जो सदियों से परंपरा से आ रही है उसको हट करके आधुनिक परिणाम दिए हैं। देखिए हमारे यहाँ शोध हर चीज़ में होता है, जैसे कि मेडिकल में बहुत शोध हुआ, क्या नाम फिजिकल फिजिक्स में केमिस्ट्री में शोध हुआ, लेकिन अध्यात्म में खोज नहीं हुआ। आज से 5000 वर्ष पतंजलि जी जहाँ थे वहीं से खड़े होकर हम बोल रहे हैं, इसलिए इसमें एक उस समय सुश्रुत एक थे जो सुश्रुत ने एक ब्रेन से लेकर के लेग तक का ऑपरेशन करते थे, लेकिन आप देखते हैं कि MBBS डॉक्टर को और कोई आज लोग दिखाता नहीं है, स्पेशलिस्ट होना चाहिए, एक आँख में 3 डॉक्टर स्पेशलिस्ट हो गए, उसी तरह से ध्यान के लिए भी स्पेशलिस्ट होना चाहिए। और ध्यान जब आपको बताया जाता है, जैसे जैसे आप ध्यान के ढूंढने में डूबिएगा तब मन जो है हटते जाएगा और मन को प्राप्त करते जाएगा, मन रहे भी या ध्यान भी करे यह संभव नहीं है। जैसे कि समुद्र में लहर उत्पन्न होता है तो लहर कहते हैं, उस तरह से मन जब रहेगा तो मन जो है अमन को प्राप्त होते जाएगा, यानी मन पीछे हटते जाएगा, या मन जो है मन एक ऐसा है जो शरीर तल पर आप हैं एक और दूसरा आत्मा तल पर हैं, तो मन जो है दोनों के बीच में जब ध्यान की विधि खास जानिएगा जो हम लोग कराते हैं बताते हैं स्वर साधना में भी डिवाइन सीक्रेट साइंस में ही,
तब आपका मन, वही मन जो है पुल बन जाता है बिटवीन योर फिजिकल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी, दोनों के बीच में पुल बन जाएगा। नहीं तो अभी तक मन अवरोध है, अवरोध। जब जैसे ही पुल बन जाएगा तब इस फिजिकल बॉडी से यानी स्थूल शरीर से जंप करके आत्म शरीर में चले जाइए। जैसे ही आत्म शरीर में आप चले जाइएगा आपका योग पूरा हो जाता है, समाधि को आप चले जाते हैं। यह समाधि का मतलब नहीं कि आप आंख बंद करके कछुए की तरह या कहीं बैठे रहिए, यह आर्टिफिशियल भी हो सकता है। समाधि का मतलब है आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। आप समाधि का मतलब है कि आप चलते रहिए, फिरते रहिए, काम करते रहिए, आप इसमें समाधि में रहिए और काम देखिएगा उसे दुगुना होगा, तीन गुना होगा, चार गुना होगा। हम एक आदमी का नाम लें या न लें, लेकिन यह बात समझिए कि दिल्ली में ही एक सरकारी अधिकारी है, आप लोग जानते हैं कि मैं प्रैक्टिकल पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ साइंस का होने के चलते। उसको हमने जब साधना दिया तो बताया कि ये काम करेगा मेरा, मदद कहा क्या आके आप कैसे जाते हो ऑफिस, तो कहा कार से। कौन चलाता है? ड्राइवर। हमने ड्राइवर एक महीने के लिए छोड़ दो, अपने कार चलाओ और इस ध्यान से चलाओ, आप ध्यान में चले जाओ। तो पहले हाँ सा गुरु जी एक्सीडेंट कराइएगा, हम कहने कि छोड़ दो एक्सीडेंट, कहा कि इतने दिल्ली में जाम रहती है सर। हम ठीक है तो पहले दिन प्रैक्टिस करो। वह जो है एक हफ्ता उसको लगा प्रैक्टिस करने में और कहता है गुरु जी तो बड़ा गजब, एक महीने के बाद लौट कर आया, कहा गुरु जी बड़ा गजब हो गया। हमने क्या हो गया? कहा कि हम एक हफ्ता तो दिक्कत हुई कि लड़ जाएगी, लेकिन एक हफ्ता के बाद हम प्रैक्टिस कर लिए कि एकदम हम ध्यान में चले गए और गाड़ी हमारी जाकर ब्रेक लगा जहां मेरे ऑफिस में पहुंची, और ऑफिस में ब्रेक लगा और मैं अपने ऊपर ऑफिस में अपने चेयर पर गया और काम शुरू कर दिया। हमारी स्टाफ लोग अंडर के लोग आकर कहने लगे आगे क्या हो गया सर, आप आते थे आधा घंटा सुस्ताते थे, ठंडा पानी पीते थे, आप कुछ नहीं। कहा कि मैं तो समाधि में आया, गाड़ी चलाया ही नहीं हूं, और घर भी गया, एक बैग ब्रेक लगा, गाड़ी रुकी। अब हम जो है बिल्कुल तरोताजा होकर हर 24 घंटा रहते हैं, ध्यान में रहते हैं। और हम कहीं और बताओ गाड़ी की इफिशियंसी, कहा कि इफिशियंसी गाड़ी का एक महीने में कुछ नहीं बिगड़िया। और दूसरी बात है कि 10-20% हमारा डीजल का कंजप्शन घट गया। देखिए यह ध्यान है, हम लोग ध्यान का मतलब यह समझ लेते हैं कि जंगल में चले जाना, पर्वत पर चले जाना, कंदरा में चले जाना, गुफा में चले जाना, बाल बच्चा छोड़ जाना, परिवार छोड़कर भाग जाना। नहीं, यह जो है चलतम फिरतम करतम ध्यानम, अपने ऑफिस में रहो, काम में रहो, करते रहो और ध्यान में रहो। यह ध्यान की टेक्निक मैं सिखाता हूँ, इसे सीखो और देखो, तुम्हारा मन भी रुक जाएगा। और मन रुक नहीं जाएगा, मन पुल बन जाएगा। एनर्जी में कहीं रुकता नहीं है, प्रत्येक एनर्जी जो है कहीं मरती नहीं है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसलिए आप ठीक ठीक जब कीजिएगा तो काम करते हुए आप ऑफिस में या अपने घर पर चार गुना मेहनत कीजिएगा, काम कीजिएगा, थकिएगा नहीं और हरदम चेयरफुल बने रहिएगा, ध्यान में रहिएगा। गुरुदेव कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस मन को साध कैसा जाए, कहा जाए मन को साधे कैसे व्यक्ति, आप विस्तार पूर्वक बताएं। हम पहले बताए भगवान कृष्ण भी कहे मन मनुष्यारम कारण बंधन मोक्ष है, उसी का हिंदी में है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जो है बड़ा सबल और सशक्त है। मन से अब जब लड़ाई लड़िएगा तो मन आपको मार डालेगा। भाई बता दिए कि सारे देवता और देवी मन के ही चक्कर में रहते हैं, यह बात एक समझ लीजिए। मन मन करते सुर नर मुनि जोहड़े मन के लक्ष्य द्वार, कबीर साहब कहते हैं मन मन करते सुर नर मुनि, देवता सब लोग मन के ही चक्कर में हैं। अब मन के लक्ष्य द्वार है, कहीं से निकल जाएगा। इसलिए यह जो है मत समझिए कि हम देवता लोग नहीं है, सब लोग यह मन के चक्कर में हैं। और मन के चक्कर में जो रहेगा वह प्रकृति के बरबस में रहेगा, प्रकृति उसको अपने मुट्ठी में चंगुल में रखकर घुमाएगी एक पिंजरे की तरह। जैसे ही आप भगवान का अर्थ क्या है, भगवान का देखिए पांच तत्व हैं, भ से भुवन, भ से भूमि, ग से गगन, लिखिए पांच तत्व कौन कौन है, व से वायु, अ से आकाश, न से नीर, पांच हो गया ना। ये पांच तत्वों को जो नियंत्रण करता हुआ भगवान है, लेकिन जो पांच के साथ तीसरा मन और छठा और सातवां बुद्धि और आठवां अहंकार, इन तीनों पर जो नियंत्रण कर लेता, मैंने आठ पर जो नियंत्रण कर लेता है वह जो है ईश्वरत्व को प्राप्त करता है, गुरुत्व को प्राप्त कर लेता है। अब वह प्रकृति जो है माया जिसको कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, उसकी चेरी बन जाती है। इसलिए यह मन मन से सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धि से भी सूक्ष्म अहंकार है। इसलिए समझिए मन मन का रुकने से बुद्धि नहीं रुक जाएगी, बुद्धि से मन पर बुद्धि का नियंत्रण होता है, बुद्धि पर अहंकार का नियंत्रण होता है। इसलिए यह आठ पर नियंत्रण जैसे ही आपके ऊपर हो जाता है तब आप जो है ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेते हैं,
या गुरुत्व को प्राप्त कर लेते हैं और आपके अनुसार जो है यह सृष्टि चलती है, माया चलती है, आप मायापति कहलाते हैं जी। दुखों से किस प्रकार व्यक्ति मुक्त हो सकता है ये भी आप हमें बताएं गुरु जी। देखिए, जब तक से दुख नहीं रहेगा तब तक सुख का महात्म नहीं रहेगा। और हम यह दुख और सुख दोनों मन का ही खेल है, इसलिए कबीर साहब कहते हैं दुख सुख से परे परम पद सो पद रहो रे भाई। और देखिए, एक छोटी सी हम घटना मुझे याद आ रही है। भगवान बुद्ध एक जगह सभा कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे। बाद में हम लोग भी वही करते हैं, सब लोग खत्म हो जाते हैं, हम पूछते हैं कि हाई व्यू एनी क्वेश्चन, कुछ पता है तो करो। बुद्ध देखे कि एक किसान बैठा हुआ था, किसान से पूछे कि भाई तुम क्यों बैठा है, कोई प्रश्न है? वह कहा कि हाँ प्रश्न, एक प्रश्न हो तब तक भगवान, प्रश्न मुझे बहुत है। कहा कहो कौन प्रश्न है? कहा क्या करूं, जवान लड़की है, शादी के लिए पैसा नहीं, अकाल पड़ गया, खेती सूख गया है, बैल बच्चे सब मर रहे हैं, पत्नी बीमार है, कैंसर हो गया, उसको रोग के लिए इलाज के लिए पैसा नहीं, एक दुख नहीं, दुखों का अंबर घेरा है। बुद्ध उसको चुपचाप लेकर गए, नदी के तट पर ले गए, अपने बर्तन को रखे, कमंडल जैसे हम लोग लेके चलते हैं, अपने कमंडल को मले और पानी में धो दिए। कहा कि देखो साफ कैसा मालूम होता है, पहले साफ है भगवान, फिर दूसरा बार मले, फिर कहे अब कैसा? कहा पहले से और साफ है। आपके यहाँ बड़े बड़े राजा लोग प्रजा लोग आते हैं, सबकी समस्याओं के समाधान कर देते हैं, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि आप पागले हैं, ये कौन नहीं जानता कि बर्तन बार बार साफने पर साफ होगा। कहा कि बस बस तुम्हारे पत्र का उत्तर मिल गया। कहा कहाँ मिला भगवान? कहा कि परमात्मा जिसे प्रेम करता है उसको ये दुख तुम कहते हो मलता है, और जब मल जाता है वो पूरा साफ हो जाता है। जैसे यह बर्तन साफ हो गया तो इस कमंडल में मैं पानी ले लेता हूँ और पीता हूँ, उसी तरह से जो व्यक्ति दुख कहते हो परमात्मा उसको मलता है, साफ करता है, जब वो पूरा साफ हो जाता है परमात्मा स्वयं उसमें उतर जाता है। बहुत सुंदर। इसलिए दुख जिसको तुम कहते हो, दुख जिस आदमी को जितना बड़ा एग्जामिनेशन लिया जाता है वह उतना ही बड़ा पद दिया जाता है। आप आईएएस का देखते हो, डॉक्टर का, इंजीनियर का, आईएएस का, सबका एग्जामिनेशन का अलग अलग ढर्रा होता है, और जिसका जितना कठोर होता है उतना पद मिलता है। जिसको हम लोग दुख कहते हैं वह परमात्मा की सफाई करने की विधि है। चलते चलते हम चाहेंगे संदेश स्वरूप क्या कुछ आज विशेष बताएंगे आप। आज हम लोग 90% लोग मानसिक तनाव से व्यथित हैं और तनाव से मुक्ति होने के लिए ही योग कर रहे हैं। हम एक ही काम करें ना, यदि हम केवल कहते हैं, जैसे हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट हो जाता है कि हम पीउन के लिए तैयारी कर रहे हैं, चपरासी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम पीउन नहीं भी बन सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम, एक हमारा मित्र है, अब तो मित्र ही है, गुरु जी आइए से कम की तैयारी नहीं कराते हैं, करते हैं, तब कहा कि हमारी दोनों बहनें, उसकी दोनों बहनें आइए से नहीं कर गई, तब क्या कहे, पीसीएस कर गई, ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा। और जितने लोगों को हम आईएएस करते हैं उसमें से कुछ लोग आईएएस 10-20% हो जाते हैं, और लेकिन कोई भी आईपीएस या एलाइड सर्विसेज या पीसीएस होने से नहीं रुक जाता है। उस तरह से हम लोग केवल मन के लिए ध्यान करते हैं या मन के मेडिटेशन केवल तनाव में और शरीर के लिए जो के दौड़ भाग करते हैं, इसको छोड़ दो बंदो, किसी समय के सदगुरु का खोज करें और खोज करके उस परमात्मा का खोज करें, और जैसे ही परमात्मा का हम खोज करेंगे तो संसार की सारी बाधाएं हमारी समाप्त हो जाएगी और संसार का हम स्वयं मालिक बन करके जिंदा रहेंगे। हम राम बन सकते हैं, हम कृष्ण बन सकते हैं, बुद्ध बन सकते हैं, महावीर बन सकते हैं, तब हम क्यों जो हैं सड़े गले जीवन जीने के लिए बाध्य होते हैं। मेरा एक ही संदेश है कि आप जो है एम एंड ऑब्जेक्ट हाई रखो, ताकि हम उस परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेंगे, और मनुष्य तन शरीर में ही उस परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं और किसी शरीर में नहीं। इसलिए हम लोगों को वही एम एंड ऑब्जेक्ट रखना चाहिए, और जैसे ही हम उसको रख करके रहेंगे शरीर संसार का सारा दुख अपने आप भाग जाएंगे। आप मायापति बन जाइएगा, आप जो है संसार का सर्वश्रेष्ठ बन जाइएगा, आप ही पूज्य बन जाइएगा। गुरुदेव, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।